हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो ओएनजीसी गेट के थ्रू जो ओएनजीसी में सिलेक्शन होता है उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स लोकेट होते हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो भी गेट के थ्रू मैकेनिकल इंजीनियर या अन्य इंजीनियरिंग इंजीनियर्स के लिए एलोकेट होते हैं, उन सारे वो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं और उन डिपार्टमेंट्स में कौन डिपार्टमेंट अच्छा है, कौन डिपार्टमेंट खराब है, या यूं कहें कि उनका नेचर ऑफ वर्क कैसा होता है, वो हम लोग आज के इस वीडियो सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जिन लोगों का गेट में रैंक 500 रैंक से नीचे आया है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, उनको बहुत बहुत बधाई और उनकी ओएनजीसी में सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है। और अगर हम देखें तो जो ओएनजीसी में डिपार्टमेंट्स हैं, रूट डिपार्टमेंट अगर हम बोले, जैसे जब आप गेट का फॉर्म ओएनजीसी का फॉर्म भरोगे तो उसमें देखोगे कि बहुत सारे डिपार्टमेंट आपको नजर आएंगे। मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए जो डिपार्टमेंट्स आपको नजर आएंगे उनमें से वो डिपार्टमेंट्स होंगे मैकेनिकल का एक टिक करने के लिए आएगा आपके प्रेफरेंस ऑर्डर में, फिर आपका प्रोडक्शन रहेगा, फिर आपका ड्रिलिंग रहेगा, फिर आपका टीपीओ यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफिसर का पोस्ट रहेगा, उसके अलावा आपका MMO यानी कि मटेरियल मैनेजमेंट ऑफिसर का पोस्ट रहेगा। ये आपको टिक करने के लिए आएगा। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से गेट दिए हो तो आपको ओएनजीसी का जब आप फॉर्म भरोगे तो ये 5 ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, उनमें से आपको प्रेफरेंस ऑर्डर सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि कौन सा प्रेफरेंस ऑर्डर सेलेक्ट करें, तो प्रेफरेंस ऑर्डर तो बात की बात है, पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इन पांचों डिपार्टमेंट्स में कहाँ कहाँ पोस्टिंग हो सकती है हमारी और उनका नेचर ऑफ जॉब क्या होगा, ताकि हमें ये डिसाइड प्रेफरेंस ऑर्डर डिसाइड करने के टाइम पे ये पता होना चाहिए कि हमारा जो पर्सनालिटी है उसके हिसाब से या हमारी जो रैंक है उसके हिसाब से हमारे लिए बेस्ट डिपार्टमेंट कौन सा होगा। क्योंकि बाद में प्रेफरेंस ऑर्डर आप नहीं बदल सकते, एक बार अगर आप फॉर्म के टाइम पे आपने प्रेफरेंस ऑर्डर कोई सेलेक्ट कर लिया तो बाद में उसको चेंज नहीं किया सकता। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि देखो जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट होता है, जब आप उसमें टिक करोगे ओएनजीसी का जो फॉर्म आएगा उसमें टिक करोगे अगर मैकेनिकल डिपार्टमेंट, तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट जो है ना उसका मेन काम होता है कि मेंटेनेंस का काम उसका मेन काम होता है। ओएनजीसी क्योंकि आपको मालूम है अप स्ट्रीम कंपनी है, नीचे से तेल निकालना उसका काम होता है और नीचे से 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर अंदर से कच्चा तेल निकाल के और उसको बाहर रिफाइनरी में भेजा जाता है। तो इस प्रोसेस को करने के लिए बहुत सारी पंप, ड्रिलिंग मशीन, बहुत सारे कंप्रेशर्स, पाइप्स और मड पंप, ये सब बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो इन चीजों की ये चीज जो जब आप साइट पे जाओगे तो जब तेल निकलते रहता है, क्रूड ऑयल निकलते रहता है, तो बहुत सारी मशीन आपको दिखेगी, तो वो मशीन खराब भी होगी, काम करते करते वो खराब हो जाती है। तो उस मशीन को खराब होने से जब आप खराब हो जाएगी तो ब्रेकडाउन होने के बाद आपको एज अ मैकेनिकल इंजीनियर आपको जाना पड़ेगा और उन मशीन को बनाना पड़ेगा। तो मैकेनिकल इंजीनियर का यही काम है। और ये तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस हो गया और दूसरा मेंटेनेंस जो है आपका एनुअल मेंटेनेंस, अगर मशीन ठीक भी है तो भी उसको सर्विसिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग वगैरह करके उसको ठीक रखना है, ठीक से चले ताकि और एफिशिएंट वर्क परफॉर्म करे। तो मैकेनिकल इंजीनियर का यही काम है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ओएनजीसी में, चाहे वो ड्रिलिंग हो, चाहे वो वर्क वेल सर्विसेस हो, चाहे वो आपका इंजीनियरिंग सर्विसेस हो, मैकेनिकल का यही काम है कि आपको मशीन जितने भी चल रहे हैं उन मशीन को सही से ऑपरेशन में रखना, ये मैकेनिकल इंजीनियर्स का काम होता है। और मैकेनिकल डिपार्टमेंट जब आप टिक करोगे तो आपका कहीं भी पोस्टिंग हो सकता है, वो ड्रिलिंग मशीन को भी ठीक करने के लिए हो सकता है, वो वर्क ओवर रिग को भी ठीक करने के लिए हो सकता है, या आपका जो WSS के जो जितने भी प्लांट्स और इक्विपमेंट्स होते हैं उनको भी आपको ठीक करना पड़ेगा, उनको मेंटेन करने के लिए आपका पोस्टिंग हो सकता है। इसके अलावा प्रोडक्शन जब आप टिक करते हो तो प्रोडक्शन का मेन काम होता है प्रोडक्शन को इनहांस करना, जितने भी ऑयल आ रहा है नीचे से, जो क्रूड ऑयल आ रहा है, उनको आपको प्रोडक्शन को बढ़ाना है, मैक्सिमाइज करना है उनकी प्रोडक्शन को। यही किसी भी कंपनी का मेन मकसद होता है कि ज्यादा से ज्यादा तेल आए नीचे से। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उन तरीकों को यूज करना पड़ेगा आपको। और आपका मेन काम ऑपरेशन का होगा, मतलब आपको मेंटेनेंस नहीं करना है, आपको ऑपरेशन करना है। आपको मशीन दे दिया जाएगा, आप उस मशीन की सहायता से क्या करो, तेल ज्यादा से ज्यादा निकालो। अगर मशीन फेल होता है तो आप मतलब आपको मैकेनिकल वालों को फोन करना पड़ेगा, है आप मैकेनिकल इंजीनियर, आपका पोस्टिंग प्रोडक्शन में हो गया है, तो भी आप ऑपरेशन का काम करोगे, ना कि उसको मेंटेनेंस करोगे। जरा बहुत थोड़ा बहुत मेंटेनेंस आप कर सकते हो, लेकिन जो मेन मेंटेनेंस का काम है वो आपका मैकेनिकल जो डिपार्टमेंट जिन्होंने सेलेक्ट करेंगे, जो लोग करेंगे वो आपके लोग जो होंगे ना वो आएंगे आपको मशीन को बनाने। और अगर आप प्रोडक्शन सेलेक्ट करते हो तो आपका
वो आप मैकेनिकल इंजीनियर, लेकिन प्रोडक्शन में क्या करेंगे, ऑपरेशन का काम रहेगा आपका, आप ऑपरेट करोगे मशीन को, आप WSS वर्क ओवर रिग में जाके आप मशीन को एक्चुअल में ऑपरेशन करोगे। मशीन अगर खराब हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो आप कॉल किसको करोगे, मैकेनिकल, जो जिसने भी मैकेनिकल भरा ना ONGC में, तो उसके नाम के आगे जिंदगी भर के लिए छप जाएगा मैकेनिकल, मान लो AEE मैकेनिकल, किसी के नाम के आगे छप जाएगा AEE प्रोडक्शन, तो जिंदगी भर प्रोडक्शन रहेगा, वो कभी नहीं मिटेगा, समझ में आ रही बात। इसके अलावा आपका जो डिपार्टमेंट होगा वो है ड्रिलिंग, तो ड्रिलिंग का आपको मालूम है, ड्रिलिंग जो होता है वो जो नए जो वेल होते हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए, नए जो जहां पे ड्रिलिंग होते रहेगा, नीचे से जाके हमें तेल निकालना है, तो पता नहीं है ना कि कहाँ पे तेल है कहाँ पे नहीं है, तो बारी बारी से बहुत जगह जाके हम लोग होल कर करके देखते हैं, तो वहां से पता चलता है कि मान लो यहाँ पे तेल है कि नहीं है, तो खोद के देखोगे तभी तो पता चलेगा। तो खुदाई जो होती है वो ड्रिलिंग ड्रिलिंग होता है एक्चुअली में। तो जो ड्रिलिंग डिपार्टमेंट वाले जो मैकेनिकल इंजीनियर्स रहेंगे वो ड्रिलिंग रिग पे ही उनका पोस्टिंग रहेगा, और ये भी ऑपरेशन का काम देखेंगे। तुम्हें मशीन पकड़ा दिया जाएगा, तुम्हें रिग पे भेज दिया जाएगा और बोला जाएगा कि चलो भाई इस रिग को ऑपरेशन करना है, तो आप वहां देख आपके देख रेख में वहां पे रिग चलेगा और रिग से अपना मशीन का अपना काम करेगी। मशीन में अगर जरा बहुत थोड़ा बहुत फेलियर आएगा तो तुम वहां पे सॉल्व कर दोगे, मेजर फेलियर आएगा तो फिर तुम किसको कॉल करोगे, मैकेनिकल वाले को, जिसने AEE मैकेनिकल होगा या EE मैकेनिकल होगा या सुपरिटेंडिंग इंजीनियर मैकेनिकल होंगे या स्टीप इंजीनियर मैकेनिकल होंगे, उनको फोन करोगे तो वो आके और तुम्हारे जो मशीन होगा उसको बना देंगे, समझ में आ रहे बात। तो तुम्हारा ड्रिलिंग का काम मेन है कि नीचे से रिग पे तुम्हारा ड्यूटी लगेगा, और ड्यूटी लगने के बाद रिग वहां से खुदाई चलेगी, और खुदाई बहुत अंदर तक जाती है, 3-3 किलोमीटर तक खोद दिया जाता है अंदर में, और तब जाके पता चलता है कि तेल है कि नहीं है, समझ में आ रहा है। इसके अलावा दो और डिपार्टमेंट्स आपको दिख रहे होंगे, एक होता है MMO मटेरियल मैनेजमेंट अफसर, और दूसरा होता है ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। तो मटेरियल मैनेजमेंट ऑफिसर में आप देखोगे कि आपको जो ONGC है वो बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें उसको उसमें बहुत सारे स्टोर रूम होते हैं, ताकि उनके इन्वेंट्री के लिए, मान लो मशीन खराब हो रहा है तो मैकेनिकल इंजीनियर क्या डिमांड करेगा, स्पेयर्स डिमांड करेगा ना, बोलेगा ना कि ये मशीन का पार्ट मुझे चाहिए, तो पार्ट चाहिए तो कहाँ रखोगे पार्ट को, तो वो उसके लिए स्टोर रूम्स होते हैं, उन स्टोर रूम्स में को मैनेज करने के लिए मटेरियल मैनेजमेंट ऑफिसर्स होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं उन स्टोर रूम में, तो वो उनको मैनेज करने के लिए मटेरियल मैनेजमेंट ऑफिसर होता है, उनको पता होता है कि हमारे स्टोर रूम में क्या सामान है क्या सामान नहीं है, या क्या सामान की प्रोक्योरमेंट करना है, कैसे करना है प्रोक्योरमेंट, क्वालिटी टेस्टिंग कैसे करनी है, ये सारे के सारे काम कहाँ पे होगा, मटेरियल मैनेजमेंट ऑफिसर के मत्थे पे होगा। तो इसमें कोई जरूरी नहीं कि आप मैकेनिकल से हो, कोई जरूरी नहीं कि CS से हो, कोई जरूरी नहीं कि आप इलेक्ट्रिकल से हो, कोई भी इंजीनियरिंग ब्रांच से होगे, आपका पोस्टिंग मैकेनिकल मटेरियल मैनेजमेंट ऑफिसर में हो सकता है। इसके अलावा आपका जो तीसरा पांचवा अगर आप देखोगे तो उसमें TPO होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, या TO जिसको बोलते हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफिसर का काम क्या होता है ONGC में, क्योंकि बहुत सारे व्हीकल्स आते जाते रहते हैं, मूवमेंट होता है, ऑफिसर्स मूव करते हैं, साइट पे जाना होता है, फिर मशीन्स को लेके जाना होता है, क्रेन को ले जाना होता है, बहुत हेवी वर्क होता है वहां पे, तो क्रेन का मूवमेंट होता है, ट्रक का मूवमेंट होता है, लॉरी का मूवमेंट होता है, तो बहुत सारे ऐसा जितने भी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो एलोकेशंस है कि कब कोई क्रेन है, मान लो मुझे क्रेन चाहिए, मैं एक ऑपरेशन रिग पे काम कर रहा हूँ और मुझे क्रेन की जरूरत है, तो मैं किससे कॉन्टेक्ट करूंगा, तो मैं ट्रांसपोर्ट ऑफिसर से कॉन्टेक्ट करूंगा, वो मुझे मैनेज कर देगा ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो भी मेरा क्वेरी है, या जो भी मेरे ग्रीवांसेस है, या जो भी मेरा जरूरत है, उसको वो ट्रांसपोर्ट ऑफिसर हमको मैनेज करके देगा, वो बताएगा कि मेरे पास क्रेन है, या कब मिलेगी, 1 घंटे बाद मिलेगी, या 2 दिन बाद मिलेगी, या नहीं मिलेगी, अपने से व्यवस्था करना है। तो ये सारा का सारा काम क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफिसर का काम होता है। आप ये देखोगे कि जब आपका ये वैकेंसी आएगी या आई होगी, तो उसमें ट्रांसपोर्ट ऑफिसर की कम सीटें होंगी, MMO की कम सीटें होंगी, और उन्हीं कम सीटों में और सारे डिपार्टमेंट ब्रांचेस के लोग उसमें भरेंगे, है ना। MMO और ट्रांसपोर्ट ऑफिसर की जो जॉब होती है वो जॉब जो होती है ऑफिस वाला जॉब होता है, उनका फील्ड ड्यूटी नहीं होता है, जो MMO और TPO का जॉब होता है वो फील्ड ड्यूटी ना होगी, ऑफिस ड्यूटी होता है। तो ये प्रेफरेंस आप बहुत सारे लोग देते हैं, क्योंकि सैलरी तो ज्यादा है, सैलरी तो सेम है, और आपको ऑफिस में बिठा के और काम करने के लिए मिलेगा और सैलरी भी सेम मिलेगा, तो सब लोग यही चाहते हैं कि उन्हें MMO या TPO मिले। तो जिनकी रैंक अच्छी होती है, बहुत अच्छी रैंक है, मान लो 10 रैंक है, 20 रैंक है, 25 रैंक है, वो सारे लोग ये दोनों भरते हैं, MMO TPO का पोस्ट भरेंगे, और उनका अगर सिलेक्शन होता है तो बहुत ही अच्छा है।
लोगों का डाउट रहता है कि जो ONGC है इनमें से जितने भी ब्रांचेस मैंने बताई, क्या क्या बताई, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, ड्रिलिंग, TPO, MMO, इनका छोटा थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू तो मैंने तुम्हें बता दिया। अब इसके डिटेल में कि मैकेनिकल का क्या काम है, प्रोडक्शन का क्या काम है और ड्रिलिंग का क्या काम है और उसमें कैसे कैसे लोगों का पोस्टिंग होता है, कहाँ कहाँ पोस्टिंग आपका हो सकता है, नेचर ऑफ वर्क कैसा होगा, 2 डेज वर्क रहेगा, 14 डेज ऑफ ऑन किसको मिलेगा, इन सबको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और तब तक के लिए इस वीडियो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।